Hey guys, welcome again with new lecture. आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ अबाउट टू. अबाउट टू का प्रयोग कब करते हैं? जब निकट भविष्य में कोई कार्य होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है. जिस तरह से वह आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है. ही इज अबाउट टू कम. वे स्टेशन जाने वाले हैं, गए नहीं है, जाने वाले हैं. They are about to go to station. 5 बजने को हैं, बजे नहीं है, बजने को हैं. It is about to 5 o'clock. I mean to say, जब हिंदी वाक्य में वाला है, वाली है, वाले हैं, को थे, वाले थे आदि शब्द आते हैं. कोई कार्य है, निकट भविष्य में होने वाला है, तब about to का प्रयोग करते हैं. और about to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. पहले फार्मूला देख लेते हैं. फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू बी. वर्ब टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, सब टेंस के अनुसार. उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट. आते हैं पहले सेंटेंस पर. ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है. द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन. The train is about to arrive at the station. वह एक बाइक खरीदने वाला है, खरीद नहीं है, भी खरीदने वाला है. He is about to buy a bike. He is about to buy a bike. सूर्य छिपने को है. The sun is about to set. The sun is about to set. 5 बजने ही वाले हैं. इट इज अबाउट टू 5 o'clock. इट इज अबाउट टू 5 o'clock. वे दिल्ली से आने वाले थे. दे वर अबाउट टू कम फ्रॉम दिल्ली. दे वर अबाउट टू कम फ्रॉम दिल्ली. वह एक कार खरीदने वाला था. ही वॉज अबाउट टू बाई अ कार. वे पुणे जाने वाले थे. They were about to go to Pune. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें. That's all for the day.